गुड मॉर्निंग गाइस। अभी ये सुबह के 6 बज रहे हैं, अच्छा नहीं 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, और मैं गांव में आया हुआ हूँ। तो कल ही मैं यहाँ आया, कल रात में आया, तो रात में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया और नाइट का टाइम था, तो काफ़ी कोई वीडियो बना नहीं पाया था मैं कल। और अभी तक मैं काफ़ी क्या था कि गाँव में लाइटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से नाइट में कोई वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था, तो नाइट में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो वीडियो शूट मैं अभी करने जा रहा हूँ, अभी ये डे का टाइम है, तो ये मॉर्निंग में मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। और अभी मैं अपने घर पे हूँ, तो एक्चुअली आप लोग को पता है यहाँ पे जब मैं आने वाला था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था यहाँ पे आने के बारे में। तो मेरी एक्साइटमेंट की वजह कुछ बहुत खास चीज़ थी, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, इतनी आसानी से तो नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बता दिया तो आप आधे में ही वीडियो देख के भाग जाओगे। तो मैं आपको अपने एक्साइटमेंट की वजह बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ऐसे वो क्या ख़ास चीज़ है जिसके लिए मुझे यहाँ पे आने पे मज़ा आया। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे आके मुझे भी कैसा फील हो रहा है दोस्तों, एकदम मस्त गजब का फील हो रहा है। इलाहाबाद में काम कर करके एकदम परेशान हो गया था, और ऊपर से अभी बीच में मेरा सर्वर हैक हुआ था, तो सर्वर के इशू सॉल्व करने में काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हुआ था। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा टाइम गया, जो मेरा वर्क लगा, एकदम दिमाग की बत्तियाँ हिल गई थी एकदम बुरी तरह से। फिर अभी मैं इधर वापस आया और अभी मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी इधर एकदम आके एकदम फ्रेश, एकदम रिलैक्स, एकदम मज़ा आ गया काम करके, एकदम एकदम फ्रेश फील हो रहा है, एकदम काम करने में बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही मज़ा आ रहा। तो अब एकदम मतलब कूल, एकदम कूल, एकदम माइंड एकदम कूल हो गया। अभी मैं फिर से, अगर मेरे को आप बोलो काम करने को, तो मैं फिर से काम कर सकता हूँ, एक दो घंटे नहीं, दो चार दिन तक लगातार मैं काम कर सकता हूँ। तो अभी एकदम फ्रेश फील हो रहा है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो चीज़ जिसके वजह से मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी और जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लग रहा था और जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ आने के बारे में सोच रहा था काफ़ी दिन से, एक्साइटमेंट था दोस्तों। तो आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरी बाइक है, बजाज एवेंजर 150। इसको मैंने लास्ट मार्च में लिया था, मार्च 2016 में। तो मेरी पहली बाइक है और मेरी फेवरेट बाइक है, तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर राइड करना, मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट बाइक है, मुझे चलाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो सॉरी दोस्तों, अभी इधर से थोड़ा छाँव है तो इसकी वजह से रोशनी क्लियर नहीं आ रही, हो सकता है आपको वीडियो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, चलेगा, मैं कोशिश करूँगा इसको जितना अंदर साफ़ कर सकता हूँ उतना साफ़ करूँगा। और नॉइज़ की प्रॉब्लम तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत कमी होगी, क्योंकि क्या है कि इधर एकदम गांव एकदम शांत है, तो नॉइज़ की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है बहुत कम होगी, यहाँ पे बिल्कुल नॉइज़ नहीं यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरी बाइक है, इसको मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, कहीं भी आना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो मैं इस बाइक के जरिए आता हूँ, बाइक से जाता हूँ। और काफ़ी दिन से मैं इधर बीच, मैंने इसको ड्राइव नहीं किया था एक महीने से, तो वैसे मैं इसको यूज़ सिटी के अंदर करता था, लेकिन अभी एक महीने से मैं बाहर था, गुजरात में था और उसके अलावा फिर कानपुर में था, तो मैं अपनी बाइक का यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो अभी बहुत दिन के बाद मैं अपनी बाइक यूज़ किया और रात में पहुंचा, तो रात में ड्राइव करने तो नहीं गया, लेकिन सुबह मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, सुबह 6 बजते ही जैसे ही आँख खुली ना, वैसे ही मैं बस बाइक लेके निकल गया, राइड पे निकल गया। और काफ़ी मैंने चलाया, करीब सुबह से मैं बाइक चला ही रहा हूँ, सुबह से मैं पैदल नहीं चला हूँ, जहाँ भी जाना होता है, अगर 100 मीटर भी जाना होता है तो भी मैं बाइक लेके ही जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और इस वीडियो को कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ, जितना ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, उतना अच्छा बनाने की इस वीडियो को मैं पूरी कोशिश करूँगा। Thank you.
तो ये है हमारे गांव की सबसे बेहतरीन लोकेशन जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी तक यहाँ पे घूमना मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ घूमने के लिए। करीब जब भी मैं गांव आता हूँ तो मैं भी जिस दिन आता हूँ उसी दिन मैं यहाँ पे आता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं इस लोकेशन के बारे में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी लोकेशन है और मुझे क्यों पसंद है। मैं काफ़ी दूर से चल के अभी इधर आया, बाइक मैंने उधर साइड में पार्क की है और यहाँ पे आया। तो सॉरी मैं आपको बाइक की वीडियो नहीं दिखा पाया, क्योंकि क्या है कि मैं ट्रैवल के लिए अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबाइल से बाइक की वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं अभी क्या यूज़ कर रहा हूँ वो सिंपल, मतलब इधर ट्रैवल उधर के आया, फिर मोबाइल निकाला, फिर वीडियो शूट किया। तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गांव की मेरी फेवरेट लोकेशन जो मैं अभी तक यूज़ करता आया हूँ और जहाँ पे आना मुझे बहुत पसंद है। मेरा बचपन से बहुत पसंदीदा जगह रही है ये। तो मैं बता दूँ कि मैं नहाने का बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे पानी में नहाना बहुत पसंद है, और ख़ासतौर पानी जब बहुत भरा हो। तो ये जो जगह है ये नदी है, ये देख सकते हैं, ये नदी है, ये टॉस नदी है, इसको बोल टॉस नदी। काफ़ी फेमस है और हमारे गांव से एकदम करीब में है, करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पे है हमारे घर से। तो हम लोग इधर नहाने आते थे बचपन में, जब हम यहाँ रहते थे तो दिन भर में एक दो बार इधर नहाने आते थे, डेली का था। और यहाँ से 200 मीटर इस साइड में आप जाएंगे जिधर मैंने बाइक पार्क की है, वहाँ पे हमारा बगीचा भी है, तो जहाँ पे पेड़ वगैरह हैं हमारे, तो पेड़ के पास हम लोग आते थे आम वाम खाने, तो इधर आते थे। तो ये जगह, इस तरह से ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप कि ये जगह आपको भी पसंद आए और आप भी इधर घूमने आओ। तो ये जगह मुझे, जिस हिसाब से मैंने बताया कि मुझे जगह बहुत पसंद है, तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि मैं इधर क्यों आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ एक डील करने के लिए। मैं एक आज मेरा मूड हो रहा है आने के बाद फ़िश खाने का, मुझे बहुत पसंद है फ़िश, मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब भी गाँव में आता हूँ तो मैं फ़िश ज़रूर खाता हूँ, सबसे पहले मैं फ़िश खाना पसंद करता हूँ, मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इधर फ़िश खाने आया हूँ, तो अभी मैं यहाँ मैं फ़िश करने आया। और आप ये देखो, ये नाला है छोटा सा, शायद पता नहीं आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये नाला है और ये वहाँ पे जाके उस नदी में मिलता है। अभी मेरे को ये नाला पार करना है और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं नाला कैसे पार करूँगा। तो अभी मैं जिसके साथ आया हूँ मैं उसको पहले आवाज़ दूंगा और वो मेरे को बोलेगा कि मुझे नाला कैसे पार करना है, ठीक है? तो मैं अभी उसको आवाज़ देता हूँ, फिर वो जिधर है वो फिर मैं नाला पार करूँगा। तो जिसके साथ आया हूँ वो इधर ही आसपास में कहीं पर है, तो मुझे पहले उसको बुलाना पड़ेगा, फिर नाले को पार करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि वो कहाँ पर। मैं पार तो कर गया लेकिन फेल हो गया एकदम, पूरा पैर वैर में, हाथ पैर में एकदम कीचड़ वीचड़ लग गया एकदम। फाइनली मैंने इसको पार कर लिया, थैंक गॉड। तो चलो हम चलते हैं डील करने। बात करने के बाद भी मुझे यहाँ पे मछली नहीं मिली, लेकिन एक मछुआरे हैं, इन्होंने ये मछली पकड़ के रखी हुई है, आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा। तो इस तरह से इन्होंने मछली पकड़ के रखी हुई है, आप दोनों मछली को देख सकते हो पानी में एकदम क्लियर क्लियर।